अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा आज दिल्ली हिंदू महासभा भवन में बालवीर हकीकत राय का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में देश विदेश से हिंदू महासभा के व हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। समारोह में सुकुनी छात्र व छात्रा द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के युवाओं को बालवीर हकीकत राय के द्वारा बताए मार्ग पर चलना चाहिए। I'm gonna make it.
राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्ण दुलके राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्ण दुलके राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्ण दुलके राधे राधे यहाँ कार्यक्रम में आए हो, आपका जो हिंदू महासभा के नेताओं है उन्होंने सम्मान किया है, उसके बाद आप क्या संदेश दोगे आप महिलाओं को, युवाओं को जो महिलाएं हैं? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस अपनी प्रतिभा को दूसरों तक पहुंचाना होता है, और मैं तो चित्रों के द्वारा अपनी प्रतिभाओं को दूसरों तक मतलब पहुंचाती हूँ और उन्हें प्रेरित करती हूँ। आपको कितने सम्मान मिल चुका है, कितनी बार सम्मान मिल चुका है? ये मेरा 5वां सम्मान है। अच्छा, इसके अलावा बात चलती है हिंदू मुसलमान की, बात चलती है सैनी बाग में वहाँ हिंदू मुसलमान बैठे हैं, आपने देखा भी होगा, तो क्या कहोगे आप, संदेश दोगे? देखिए, हिंदू मुसलमान से पहले हम भारतीय हैं, तो हमें भी प्राउड भी यानी इंडियन, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, तो ये सब उस चीज से ऊपर उठ के और हम हिंदुस्तान में, ये हमारी सबसे खुश की बात। तो आप चाहते हो कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने? जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र। थैंक यू। ये प्रगति यादव जी, इन्होंने कहा कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है। कलाकार है, देश में इनका नाम है, इन्होंने बहुत सम्मान मिला है, काफी बड़े अवार्ड भी लिए हैं, और आज इनको हिंदू महोत्सव की तरफ से सम्मान दिया गया। चोला बदलता है, इसलिए असली चीज जो है वो आत्मा है, और शरीर का क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व पर अधिक रहना स्वीकार किया और मुसलमान बनने से उन्होंने साफ मना कर दिया। उसका परिणाम हुआ कि जो नवाब था उस समय पंजाब का, उसने बाल हकीकत राय को फांसी की सजा सुनाई और फांसी दे दी गई। जब सियालकोट से हकीकत राय को बांध कर ले जाया जा रहा था, तो जो इनको बांध कर ले जा रहा था सिपाही, वो तो घोड़े पर चल रहा था, लेकिन बाल हकीकत राय को पैदल घसीट कर ले जा रहा था। उनके साथ माता पिता, उनके रिश्तेदार सब रोते रोते। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, हम हर साल आते हैं, साल दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उससे हिंदू महासभा की तो कार्यक्रम के माध्यम से क्या हिंदुओं को जागृत करने का काम किया जाता है? जैसा कि आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी को लेकर के आपके यहाँ जो कार्यक्रम हिंदू महासभा में चल रहा है, उस कार्यक्रम में काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहा है, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए थे, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसा कि आज हकीकत राय जी का बलिदान दिवस भी है? संदेश सीधा सीधा है, धर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, पहले धर्म आता है फिर राष्ट्र आता है, यही संदेश हम बच्चों को देते हैं कि हकीकत राय के बलिदान दिवस के अवसर पर एक तो अलग अलग जगह से पूरी दिल्ली से स्कूलों को बच्चे विशेष तौर से हम बुलवाते हैं कि बच्चों के अंदर धर्म की क्रांति का प्रचार फैले और बच्चों को पता लगे कि एक 13 साल का बच्चा अपने धर्म के प्रति इतना अडिग होकर अपनी गर्दन तक कटवा सकता है, तो धर्म कितना अनिवार्य है, और बच्चों के माध्यम से ही, स्कूलों के माध्यम से ही, टीचरों के माध्यम से ही हम ये धर्म का संदेश देना चाहते हैं कि धर्म पहले राष्ट्र बाद में, पहले धर्म फिर राष्ट्र। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर आप पत्रकार लोग हैं कि हर जगह चर्चा मिलेगी राष्ट्र 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 राष्ट्र। इस पृथ्वी पर हजारों हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, और उसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर हिंदू महासभा आगे बढ़ती है, तो हमें अपना राष्ट्र चाहिए,
ईसाई मुल्क मिलेंगे, क्रिश्चियन मुल्क मिलेंगे, आपको इस्लामिक मुल्क मिलेंगे, लेकिन हिंदू वो एक भी मुल्क आपको नहीं मिलेगा, हिंदू एक देश नहीं मिलेगा। जबकि हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कुछ कारणों से, जैसा कि आपको पता है 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन उस समय के जो हमारे, क्या कहूं मैं उन नेताओं को, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे करके पाकिस्तान इस्लामी मुल्क हो गया धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हमारा देश नहीं बन पाया। आज उसी दिशा में हम अग्रसर हैं, और जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम मनाते हैं, बच्चों के अंदर संदेश जाते हैं, और हिंदू महासभा का ही ये परिणाम है, ये जो प्रयास है, इस प्रयास का ही परिणाम जो निकल के आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि अब कैसे कैसे जहरीले सांप निकल कर आ रहे हैं, कैसे कैसे फन निकल के आ रहे हैं, और अब उनको कुचलने के लिए हमारे बच्चे भी तैयार हैं, हमारे नौजवान भी तैयार हैं, हमारे बुद्धिजीवी भी तैयार हैं, हमारे सैनिक भी तैयार हैं। तो ये सिर्फ धर्म का संदेश देने के लिए हम कार्यक्रम करते हैं कि धर्म से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं होता। ये करीब मेरे को 12-13 साल अध्यक्ष हो गए बने हुए, हर साल करते हैं, लेकिन ये परंपरा हमारी हिंदू महासभा की बहुत पुरानी है और पुरानी परंपरा चलती आ रही है, और उसी का मैंने बताया कि परिणाम है कि आज आप कह सकते हो कि आज की जो सरकार है वो इस पथ पर भी आगे चली है, और यही हमारा प्रयास था हिंदू महासभा का कि कैसे सरकारों का मुख हिंदुत्व की तरफ मोड़ा जाए, और उस प्रयास में हम सफल हुए हैं, ऐसी मैं सोचता हूं, या मेरी गलतफहमी है ये सिर्फ आप बताएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र अब जाके हमारा 70-71 साल के बाद ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। जैसे कुछ मुसीबतें थी, कुछ स्पीड ब्रेकर थे, वो दूर हुए हैं, और अभी कुछ बाकी है, उनको भी हम पार पार लेंगे। सर, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, और अखिल भारत हिंदू महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि पूरा देश आप पर गर्व भी करता है हिंदू समाज के लिए। लेकिन आपके ही दिल्ली में, आपके बगल में मात्र 15-20 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं साइन बाग के एरिया में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, एक सपेरा हमने दे दिया है देश को नरेंद्र मोदी के रूप में, बीन बजा रहा है, सांप निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, अब पहचान हो गई है, और पहचान कर करके चुन चुन के उनको कैसे कुचलना है ये आप देखते जाइए, वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द हमारे संविधान में चेंज आएगा और हमारा देश पुनः हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। देखिए, भारत का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था, कि जो मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में रहेंगे और जो हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से काफी संख्या में मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए और हिंदुस्तान ने उसका स्वागत किया, हिंदुओं की तरह उसको रखा, उसको खिलाया, उसको आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुसलमानों में ऐसे तत्व हैं जो मुल्ला मौलानाओं और विदेशी हाथों में खेल रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जितने भी हिंदुस्तान में रहकर और पाकिस्तान को गाने वाले हैं, इनको सबको लतिया के भगा देना चाहिए।